हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा सरकार की ओर से मनाए जा रहे वन उत्सव सप्ताह के उपलक्ष्य में वन विभाग की ओर से महेश नगर मंडल के रामपुर सरसहड़ी के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक पार्क में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में योगा फेडरेशन के अध्यक्ष राजेंद्र विज बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस कार्यक्रम में वन अधिकारी हरजीत कौर भी मौजूद रहीं। फॉरेस्ट ऑफिसर ने बताया कि वन उत्सव सप्ताह के तहत 11.5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस मौके पर योगा फेडरेशन के अध्यक्ष राजेंद्र विज ने बताया कि पूरे प्रदेश में वन सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर पौधारोपण का कार्य किया जा रहा है। इस नवनिर्मित पार्क में लगभग 250 पौधे लगाए गए हैं। यहाँ पर उपस्थित लोगों से इन पौधों के रखरखाव के लिए भी निवेदन किया है ताकि पौधों की उचित देखभाल हो सके। उन्होंने बताया कि आज के समय में पर्यावरण को बचाना एक चुनौती बन गया है, जिसके लिए हम सबको सामूहिक प्रयास करना अत्यंत आवश्यक है। पेड़ पौधे हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितना सांस लेना और खाना, इसलिए ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं और उनकी देखभाल भी जरूर करें। इस कार्य में वन विभाग की टीम का भरपूर सहयोग रहा। इस मौके पर मौजूद अंबाला के डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार की ओर से इस सप्ताह वन उत्सव मनाया जा रहा है। इसके चलते अंबाला में 11.5 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से 2.5 लाख पौधे डिस्ट्रिक्ट के स्कूलों पार्कों में निःशुल्क लगाए जाएंगे। अंबाला छावनी के रामपुर गाँव के पार्क में वन विभाग की ओर से 250 के लगभग पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से अनुरोध करते हुए कहा कि जिसको भी अपने घर के बाहर या पार्क में कहीं भी पौधे लगाने हैं वे सरकारी नर्सरी में जाकर निःशुल्क पौधे ले सकते हैं। अंबाला से हमारे विशेष संवाददाता सुरेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। सर, मेरा नाम राजेंद्र विज है। मैं चेयरमैन सोसाइटी टू सेव सॉइल एंड साउल और हम पिछले 7 वर्षों से अंबाला छावनी में जगह जगह लोगों को इन्वॉल्व करके और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ पौधे लगा रहे हैं। हमारा जो संगठन है अभी तक पूरे अंबाला छावनी में 28,000 पौधे लगा चुका है और आज अंबाला छावनी में पौधे लगाने की जगह नहीं मिलती। लोगों को ये बताया जा रहा है कि अगर विश्व को बचाना है तो सबको एक पौधा लगाना है। आप देख ही रहे हैं कि सारी ग्लोबल वार्मिंग का असर ये हो रहा है कि जब से दुनिया बनी है इस बार पहली बार इंग्लैंड के अंदर 40 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है। सारा यूरोप जो है, पोलैंड है, इन सब में आग लगी हुई है जंगलों के अंदर, इतना ज्यादा हो गया है। अगर हम पौधे नहीं लगाएंगे या हम कारों को कम नहीं करेंगे जिससे कि बहुत ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड आकाश में जा रही है, इनको कम करना पड़ेगा। अदरवाइज आने वाले दिनों में इंसान का अस्तित्व जो है वो खतरे में पड़ने वाला है। ये सब लोगों को सोचना पड़ेगा कि अगर वो अपने बच्चों को मकान, प्लाट, कोठी, कार, फैक्ट्रियां देके जा रहे हैं तो उनको ऑक्सीजन के लिए पेड़ भी लगा के जाएं। क्योंकि ये हमारा वन महोत्सव वीक चल रहा है, ठीक है, वैसे तो 2 महीने हैं वो इस प्लांटेशन के हमारे चल रहे हैं। कल से हमारा स्टेट लेवल वन महोत्सव शुरू हो गया है और हम तकरीबन 11.5 लाख पौधे लगा रहे हैं, जिसमें 2.5 लाख हम फ्री बांट रहे हैं स्कूल्स में, इंडिविजुअल्स, प्राइवेट्स को, सबको दे रहे हैं। और आज यहाँ पे हमने इस गाँव में प्लांटेशन करवाई है और भी सरसेड़ी गाँव पार्क, ठीक है, और इसमें हम टॉल प्लांट्स लगा रहे हैं, इसमें हम फ्रूट्स के लगाएंगे और फ्लावरिंग लगाएंगे, बाकी जो यहाँ पे जिसकी जो डिमांड होगी वही लगाएंगे, इनसे डिस्कस करके ही लगाएंगे। हमारी इस बार यही कोशिश है कि हम जहाँ पौधे लगाएं वहाँ डिस्कस करें, जो वो चाहते हैं वो लगाएं। उनको पौधे लेने हैं, नर्सरीज की लिस्ट हमने प्रोवाइड की हुई है, हमने पैम्फलेट्स बनाए हुए हैं, हमने सारे गवर्नमेंट ऑफिस, स्कूल, कॉलेजेस में वो पैम्फलेट्स बांट दिए हैं। हम ऑनलाइन भी वो पैम्फलेट्स बांट देंगे, आपको भी दे देंगे, आप भी सर्कुलेट कर दो। हमारी नर्सरी इंचार्जेस के नाम है, उनका फोन नंबर है, जहां जहां नर्सरी है वहां जाके पौधे जहां जौन से उनको पसंद है वो कलेक्ट कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।